हमीरपुर बस स्टैंड के पास खोखा मार्केट व्यापारियों के लिए प्रशासन ने नए खोखे तो बना दिए, लेकिन व्यापारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करना भूल गए, जिसके कारण खोखा मार्केट व्यापारियों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खोखा मार्केट व्यापारियों को शौचालय के लिए बस स्टैंड पर जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत आती है। व्यापारियों का कहना है कि जल्द से जल्द खोखा मार्केट व्यापारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। खोखा मार्केट व्यापारियों ने बताया कि बस स्टैंड के पास प्रशासन द्वारा नए खोखे तो खोल दिए हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था करना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि शौचालय के लिए उन्हें बस स्टैंड पर जाना पड़ता है। अगर उनके जाने के बाद कोई उपभोक्ता दुकान पर आ जाता है तो दुकान पर कोई ना होने की वजह से वापिस चला जाता है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द खोखा मार्केट व्यापारियों के लिए शौचालय खोला जाए। हमीरपुर अच्छुडे से पवन की रिपोर्ट। बस स्टैंड पे भागना पड़ता है, पीछे से कस्टमर आ जाएगा तो कौन उसको अटेंड करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे बाथरूम जो बने हुए हैं उनको खोल दे। वैसे तो नीचे भी फ्लोर में भी बनने थे, बट इन्होंने पता नहीं क्या किया, उसकी जगह शॉप बना दी। तो हम चाहते हैं कि ऊपर वाले जिला विचार कर सकते हैं। नहीं, प्रशासन से तो हमारी बात ही नहीं हुई, तो उन्होंने बोला था आप बैठो, हम सारा अरेंजमेंट करके देंगे आपको। अब एक साल हो गया बैठे हुए, अभी तक कोई आपको काम नहीं। हाँ, सही है कि जैसे सिस्टमेटिकली होता है कि मतलब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें एक बाथरूम शौचालय वगैरह भी चाहिए ना। जी कौन? जी संजीव कुमार। बाथरूम इधर बाथरूम मार्केट से बना के बाथरूम जरूरी है, क्योंकि तो होती है आधे में बस स्टैंड में जाना पड़ता है। तो मेरी जगह बनी है, पीछे करते हैं लोग ला देते हैं। बाथरूम बंद है।